मैंने आपकी फीचर्स बता दी कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक किस तरह इसमें काम करती है। अगर आप स्टार्ट करो तो बैटरी पे स्टार्ट होती है एंड कुछ किलोमीटर जाके ये कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोल पे, और बाय चांस अगर पेट्रोल खत्म हो जाती है तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है बैटरी पे। तो यस, ये इसका एक बेनिफिट है एंड ये इजिली मार्केट में अवेलेबल नहीं है। दिस हेलो नमस्ते सभी को। तो कैसे आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे अपने अपने घरों पे। तो आज मैं फिर से आपको, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो पे बताया था कि नागपाल मोटर्स के पास एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जो कि आपको मार्केट में इजिली अवेलेबल नहीं होगी। बिकता भी अपने एक इंट्रो में बताया, ये एक हाइब्रिड कार है जो कि पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक का कॉम्बिनेशन में आती है, मतलब ये, और ये देख सकते हो आप गोल्ड कलर में अवेलेबल है। और इसके जितने भी सारे मतलब जो फीचर्स रहेंगे और कितने पैसे पे यहाँ पे अवेलेबल है, मैं हर एक चीज़ बताऊँगा। तो चलते हैं, हमारा एक मेन मोटिव रहता है, एक मेन हमारा एम रहता है कि मैं आपको कम टाइम पे आपको गाड़ी की पूरी फीचर्स बताऊँ और एक अच्छे से उसका वॉकराउंड एंड इंटीरियर की किस डिज़ाइन पे अवेलेबल वो दिखाऊँ। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए पहले आपको एक वॉकराउंड दिखाता हूँ, तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको यहाँ पे फ्रंट पे टोयोटा की लोगो मिलती है एंड ये MH रजिस्टर्ड है एंड ओनली वन इन महाराष्ट्र अवेलेबल फॉर सेल। देख सकते हो जो प्रोजेक्टर हैंडलैम्स आपको मिल जाते हैं एंड नीचे आपको यस फॉग लैंप्स इंडिकेटर। तो आप चलते हैं, हम आपको साइड प्रोफाइल आपको मैं दिखाता हूँ इसका। तो आप देख सकते हो इसका साइड प्रोफाइल भी और अलॉय व्हील्स देख सकते हो, टायर की कंडीशन भी काफ़ी मिंट कंडीशन में अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मिरर में भी टर्न इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके साइड की प्रोफाइल, आप देख सकते हो काफ़ी मिंट कंडीशन में अवेलेबल है और ऊपर साइड में आपको एंटीना देखने को मिल जाता है एंड वाइपर। और मैं आपको एक दिखाता हूँ इसकी खास चीज़, आप देखिए इसकी पीछे की लुक, एक अलग ही किस्म की ये गाड़ी दिखती है। तो आप देख सकते हो इसकी पीछे की लुक, बाकी आपने वॉकराउंड और सिनेमैटिक्स में आपने देखा रहेगा तो देख सकते हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये है टोयोटा की, इसमें लोगो लगा हुआ, टोयोटा प्रियस हाइब्रिड सिनर्जी ड्राइव। तो क्योंकि ये होने वाली है हाइब्रिड पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक, तो यस अब मैं आपको दिखाता हूँ इसके इंटीरियर की, और बाकी आप देख सकते हो पीछे से भी इसकी फिनिशिंग और ये टायर की कंडीशन। अब हम चलते हैं इसके इंटीरियर की और मैं आपको एक एक इसके फीचर्स जो भी है मैं आपको बताता हूँ, तो चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो मैं बैठ चुका अभी टोयोटा प्रियस के अंदर और इसकी सीट की कंडीशन भी देख सकते हो, आपको इसमें लेदर के सीट्स देखने को मिल जाते हैं एंड आप इसकी एक इनबिल्ट जो बोलते हैं ना इंटीरियर की इनबिल्ट डिज़ाइन आप देख सकते हो कितनी अट्रैक्टिव ये दिख रही है। आपको ये अदर कार्स पे आपको देखने को नहीं मिलेगी और ये हालांकि 2010 की मॉडल है, 2010 की मॉडल है। बाकी एक चीज़ इसमें देखते हैं, ये जो इसका ऑटोमेटिक जो ट्रांसमिशन का जो वो दिया है आप देख सकते हो, बाकी गाड़ियों से अलग ही एक अलग ही लुक आती है। बाकी आप इसमें देख सकते हो ये म्यूज़िक के कंट्रोल्स है एंड आपको इसमें ऑक्स FM ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं और ये AC के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और इसमें मोड भी अवेलेबल है, इको मोड, पावर मोड, तो आपको जिस मोड पे चलाना है तो उसमें भी आप ड्राइव कर सकते हो। बाकी अगर स्टेयरिंग की बात करूँ तो लुक एंड फील वाइज तो काफ़ी प्रीमियम वाली फील आ रही है इसमें, क्योंकि जो इसकी स्टेयरिंग की जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड लग रही है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मीडिया के कंट्रोल है और वॉल्यूम अप डाउन ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं कॉल ऑपरेट करने का, और यहाँ पे भी आपको स्पेस मिल जाता है अगर आप छोटा सामान रखना चाहो तो। बाकी अगर मैं बताऊँ ना इस गाड़ी का, तो मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा हैंडी है, एक छोटा सा एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन जैसा ये बनाया, तो देख सकते इसको। तो बाकी मैंने आपको बता दिया एंड यहाँ पे लाइट के फंक्शन मिल जाते हैं और ये अपना मिरर जिसमें
लाइट विथ मिरर विथ आपको लाइट भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इसको बंद करते हैं। एंड साइड में भी आपको ऐसे ही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, इसमें भी यहाँ पे मिरर ओपन करने पे लाइट जलती है। तो एक लग्जरी गाड़ी जैसे ही आप बोल सकते हो, एक प्रीमियम वाली फील आएगी आपको इसके अंदर बैठ के, क्योंकि होती भी ऑन रोड इसकी 30 लाख रुपीज़ की। तो यस, ये प्रीमियम वाली फील आपको देगी इसके अंदर बैठने के बाद। तो अब चलते हैं इसके रियर सीट्स में और आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके रियर सीट्स में मतलब क्या क्या अवेलेबल है, और उसके बाद जानते हैं कि ये कितने पैसों पे अवेलेबल है। बाकी आप इसका एक डैशबोर्ड देख लो एक बार फुल्ली, ये बोलते हैं ना एक इलेक्ट्रिक, तो आप देख लो इसमें आपको यहाँ कुछ कहीं भी आपको एक बोलते हैं ना अगला कुछ नहीं मिलेगा, जस्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन यहाँ पे आपको मिलती है स्पीडोमीटर की। और बाकी अभी गाड़ी जस्ट बंद है, तो आप इस तो आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके पीछे वाले सीट्स पे, एंड ये फुली एडजस्टेबल सीट्स, आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हो, आप देख सकते हो अपने अनुसार। तो अब चलते हैं पीछे वाले रियर सीट्स में, आपको दिखाता हूँ। तो यस, जैसा कि मैं बैठ चुका हूँ अभी रियर वाले सीट्स पे, एंड देख सकते हो ये सीट्स को मैंने काफ़ी ज़्यादा आगे करके रखा, फिर भी आप लेग स्पेस आप मेरा देख सकते हो कितना कम्फर्टेबल, मैं आराम से मैं बैठा हुआ यहाँ पर। और मेरा हेड स्पेस भी आप देख सकते हो, काफ़ी कम्फर्टेबल वाली फील आने वाली इसके अंदर आपको बैठ के, क्योंकि होती है गाड़ी एक लग्जरी, तो आप आराम से यहाँ पे कंफर्टेबल बैठ सकते हो। एंड ये एक हाइब्रिड, यस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रहा हूँ, ये पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक है, देख सकते हो यहाँ पे आपको ये ट्विटर देखने को मिल जाती है, और ये कुछ डोर्स के फंक्शंस एक नॉर्मल। तो और यहाँ पे आपको देख सकते हो आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं विद टू कप होल्डर्स। और चलते हैं अब इसको मैं गाड़ी के बाहर निकलते हैं और जानते हैं ये कितने पैसों पे अवेलेबल है और क्या मॉडल है। तो चलते हैं, मैं आपको गाड़ी के बाहर उतर के आपको दिखाता हूँ। तो यस, जैसे कि मैंने आपको इसके इंटीरियर के बारे में बता दिया और क्या मॉडल होने वाली मैं बताता हूँ, ये 2010 की मॉडल है, सिंगल ऑनर है, हाइब्रिड वर्जन है, हाइब्रिड वेरिएंट में आती है, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक। मैंने आपकी फीचर्स बता दी कि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक किस तरह इसमें काम करती है, अगर आप स्टार्ट करो तो बैटरी पे स्टार्ट होती है एंड कुछ किलोमीटर जाके ये कन्वर्ट हो जाती है पेट्रोल पे, और बाय चांस अगर पेट्रोल खत्म हो जाती तो ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है बैटरी पे। तो यस, ये इसका एक बेनिफिट है। वो मैं बताऊँ जैसा, तो ये इजिली मार्केट में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती है, तो दिस इज़ द ओनली वन जो कि टोयोटा जो प्रियस वो नागपाल मोटर्स में अवेलेबल है सेल के लिए, और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। 2010 की मॉडल, सिंगल ऑनर, पेट्रोल प्लस इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड है, और किलोमीटर ड्रिवन है वो सिर्फ और सिर्फ 48,000 किलोमीटर ड्रिवन है, गोल्ड कलर की है, इसका इंटीरियर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो आप बताते हो इसके प्राइस के बारे में, तो इसका जो प्राइस यहाँ पे जो डिमांड जो कॉट कर रहे हैं, उसके पहले मैं ऑन रोड प्राइस बताता हूँ। इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो 30 लाख से 33 लाख के बीच में थी जब ये लॉन्च हुई थी। इसका जो प्राइस जो डिमांड कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 11,50,000, 11,50,000, जो कि नेगोशिएबल, आप आइए ऑन द टेबल आप नेगोशिएट कर सकते हो। और जैसा कि हमेशा की तरह मैं बताते जाता हूँ कि आप मेरे चैनल का नाम लेके जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो मैंने बता दिया। तो चलते हैं, हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, ऐसे ही हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। और तो आपको अगर कोई भी रिक्वायरमेंट रहेगी कार्स की वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, तो हम उस बेस पे आप वीडियो बना सकते हैं। एंड अगर आप फीडबैक देना चाहते हो कि मैं अगर मैं थोड़ी और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन आपका ही आप वहाँ पे लिखिए, ताकि हमको समझ आ सके कि हमारी क्या गलती हो रही है एंड हम क्या सुधार सके अपने आने वाले वीडियो पे। तो चलते हैं, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जितना भी एड्रेस डिटेल और जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल सारे का सारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में आता रहेगा, वहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।